नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। पप्पू यादव को लेकर क्या अपडेट है यह आप जानना चाह रहे हैं। आज तारीख है 14 मई 2021। तो देखिए, पप्पू यादव अब भी दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ही हैं, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। न्यायिक हिरासत में है। आपको पता है, लाइव सिटीज ने कल ही बताया था कि उन्हें सुपौल के बीरपुर जेल से उन्हें DMCH ट्रांसफ़र किया गया था। हालांकि इस पक्ष में पप्पू यादव नहीं थे कि उन्हें DMCH ले जाया जाए। खैर, तो पप्पू यादव DMCH में है। कल रात को एक तस्वीर वायरल होने लगी थी जिसमें यह दिखाया जा रहा था कि पप्पू यादव ऑक्सीजन पर हैं। तो देखिए, ये जो तस्वीर थी वो फर्जी तस्वीर थी, बहुत पुरानी तस्वीर थी। इस तस्वीर का वास्ता अभी से नहीं है, अभी नहीं है, पप्पू यादव ऑक्सीजन पर नहीं है। तो यह खबर आपके लिए। दूसरी खबर यह कि कल देर रात को रंजीत रंजन, जो पप्पू यादव की पत्नी हैं, पूर्व सांसद हैं, वो भी दरभंगा पहुंची थी, DMCH में जाकर पप्पू यादव से मुलाकात करी थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि पप्पू यादव को जमानत कब मिलेगी या जमानत पर सुनवाई कब होगी। देखिए, कल आपने यह भी खबर सुनी कि पटना हाई कोर्ट ने जल्दी सुनवाई की अर्जी नामंजूर कर दी है चीफ जस्टिस संजय करोल के द्वारा। तो पटना हाई कोर्ट में जो अर्जी नामंजूर की गई वह जमानत की अर्जी नहीं थी। प्रक्रिया ऐसी है जिसमें आप सीधे तौर पर, यदि आप न्यायिक हिरासत में चले गए हैं, जुडिशियल कस्टडी में चले गए हैं, तो आप जमानत मांगने पटना हाई कोर्ट सीधे नहीं पहुंच जाएंगे। पटना हाई कोर्ट में जो अर्जी पप्पू यादव ने लगाई थी, दरअसल यह जो केस है, इस केस को क्वेश करने के लिए वे पहले से पटना हाई कोर्ट में प्रयासरत हैं। लेकिन जो लॉकडाउन हुआ या फिर कोरोना के कारण जो कोर्ट की कार्यवाही प्रभावित हुई, इस मसले पर बहुत लंबे अरसे से सुनवाई नहीं हो पा रही थी। तो पप्पू यादव चाहते थे कि तत्काल सुनवाई कर ली जाए ताकि उन्हें राहत मिल जाए, क्योंकि इस केस में कितनी सारी बातें सामने आ चुकी है। आपको पता ही है कि जिनके अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया था, राम कुमार यादव और उमाकांत राय, वे दोनों कोर्ट में सुलहनामा दाखिल कर चुके हैं। कल लाइव सिटी से बातचीत करते हुए उन्होंने यह भी कहा था कि वे इस गिरफ्तारी से दुखी हैं, क्योंकि उनका अपहरण तो हुआ ही नहीं था, बस एक गलतफहमी थी जिसे बाद में कोर्ट में बता भी दिया गया था। जो कांड के सूचक थे शैलेंद्र कुमार, उन्होंने भी ऐसी ही बात कही थी, और जो गवाह थे कृत्यानंद यादव, उन्होंने भी ऐसी ही बात की थी। तो देखिए, अब सवाल पैदा होता है कि जमानत पर सुनवाई कब होगी। तो मसला ये है कि 15 मई तक, मतलब कल तक, कोर्ट बंद है। कोर्ट में जो सिविल कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वो बंद है। तो वहाँ अभी जो सुनवाई हो रही है, वह सुनवाई सिर्फ रिमांड की होती है, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। मतलब यदि कोई अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे ज्यूडिशियल कस्टडी में लिया जाना है, उसकी पेशी होनी है मजिस्ट्रेट के सामने, तो रिमांड के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई कर ली जाती है, जैसा कि पप्पू यादव के साथ भी हुआ। आपने उस रात को देखा होगा कि जब पप्पू यादव मधेपुरा ले जाए गए थे, देर रात पहुंचे थे, तो लेडी मजिस्ट्रेट के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई थी, जिसमें उन्हें 14 दिनों के ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजने का फैसला लिया गया था, जिसके बाद वे क्वारंटाइन जेल सुपौल के बीरपुर में भेजे गए थे। अब देखना ये होगा कि कल 15 मई को पटना हाईकोर्ट का नया निर्देश क्या आता है। यदि पटना हाईकोर्ट का कोई नया निर्देश नहीं आता है, तो 16 मई से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और जो सिविल कोर्ट हैं, वहाँ जमानत की अर्जी पर भी सुनवाई शुरू हो जाएगी। लेकिन ये जो सुनवाई भी शुरू होगी, वो वर्चुअल ही होगी। तो वर्चुअल भी होगी, तब भी पप्पू यादव जमानत के लिए अर्जी लगाएंगे। और जब जमानत की अर्जी मधेपुरा कोर्ट में लगेगी, क्योंकि मधेपुरा कोर्ट का ही मसला है, तब यह फैसला होगा। जब वहाँ जीरो होगी, जब वकील अपना पक्ष रखेंगे, तब कोर्ट यह फैसला करेगा कि पप्पू यादव को जमानत मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। यह पूर्ण रूप से कोर्ट का मसला है। वैसे खबर यह भी निकल कर आ रही है कि कई और मामले पप्पू यादव के खंगाले जा रहे हैं। पता किया जा रहा है कि कहीं और भी कोई मसला है क्या, या कुछ नए मसले भी दिख सकते हैं क्या, इस पर भी काम चल रहा है। ये सारे उपक्रम हो रहे हैं। तो देखिए, अब क्या होता है, पप्पू यादव को जमानत मिलती है तो कब मिलती है, कब तक रहते हैं, क्या इस बीच कोई और नया मसला कहीं से निकल कर चला आता है, या कोई और नई शिकायत दर्ज हो जाती है, क्योंकि पप्पू यादव हैं और पप्पू यादव को जिन परिस्थितियों में जेल भेजा गया है, उन परिस्थितियों का एहसास आभास तो आप सबों को ही है, बिहार को भी है। तो कुछ भी हो सकता है,
बहरहाल इस खबर पर हम बने रहेंगे, आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।